फिरोजाबाद में जिलाधिकारी की लाख कोशिशों के बाद भी बीएएमएस डॉक्टर और छोला छाप कर रहे हैं मनमानी। बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक और हॉस्पिटल चला रहे हैं और मरीजों को कर रहे हैं भर्ती। फिरोजाबाद में इस समय डेंगू वायरल बुखार को लेकर छोला छाप डॉक्टरों और मात्र बीएएमएस डिग्री वाले डॉक्टरों की चांदी है, क्योंकि वायरल बुखार का कहर इस तरह है कि गांव-गांव और शहर में काफी संख्या में मरीज इस बुखार से बीमार पड़ रहे हैं। आज जब हम फरिया क्षेत्र में पहुंचे, वहां डॉक्टर प्रदीप कुमार ने मात्र बीएएमएस की डिग्री पर राजपूत हॉस्पिटल खोल डाला। अगर हॉस्पिटल के अंदर की बात करें तो उसमें कोई भी सुविधा हॉस्पिटल जैसी नहीं थी। कोई मरीज बेंच पर बैठा तो कोई ड्रिप चढ़वा रहा था, तो कोई क्लिनिक के बाहर पड़ी बेंच पर लेट कर ड्रिप लगवाता हुआ देखा गया। अहम बात तो यह है कि इस डॉक्टर के यहाँ ये देखने को मिला कि मात्र बीएएमएस किया हुआ था और उसके यहाँ एक्सरे की मशीन भी थी, जो कि मरीजों का एक्सरे भी करता है। ऐसे तमाम डॉक्टर आज भी इस वायरल बुखार के प्रकोप में आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और मरीजों को भर्ती कर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे तमाम अभी भी झोला छाप और बीएएमएस डॉक्टर हैं जो मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, किस जगह आपका क्लिनिक है और क्या? बैंक ऑफ इंडिया के बगल। अच्छा, किस क्या डॉक्टर हैं आप, क्या डिग्री है आपका? मेरे पास बीएएमएस की डिग्री है। अच्छा, तो किस तरह का आप इलाज दे रहे हैं इस समय? सामान्य कोई वायरल चल रहा है उसका इलाज दे रहे हैं। तो किस तरह की दवाई इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं? जैसी जरूरत है पेशेंट को वैसी दवाई दे रहे हैं। अच्छा, आपके क्लिनिक में तमाम मरीज इस समय लेटे हुए हैं, बोतल लगी हुई, ड्रिप चढ़ रही है, तो डेंगू के पेशेंट है, वायरल बुखार के पेशेंट हैं, डेंगू के, तो आप पे हॉस्पिटल की परमिशन है? नर्सिंग होम का मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, आप नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन है, तो आपका नर्सिंग होम है ये? नर्सिंग होम में ऐसी फैसिलिटी होती है? नर्सिंग होम के नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन अभी तक के लिए नहीं चला रहा। नर्सिंग हो गया आपका रजिस्ट्रेशन में, तो इस तरह की फैसिलिटी आप होती है? नर्सिंग होम में इसलिए यहाँ लिखा भी नहीं है नर्सिंग होम। अच्छा, आपके यहाँ एक्सरे मशीन भी, आप एक्सरे भी करते हैं, तो कोई रेडियो लिस्ट है आपके यहाँ? आप बीएएमएस डॉक्टर हो गए, एक्सरे भी कर रहे हैं, सब सारी दवाइयाँ भी दे रहे हैं, नहीं है कोई? फिर आप एक्सरे कैसे कर सकते हैं? आपको इतनी जानकारी आपने उस चीज़ की पढ़ाई की रेडियो लिस्ट की कि आप उसमें ये देख के बताएं कि उसको कब जमा हुआ है या क्या सारी चीज़ें क्या है कुछ? आपको ऐसी डिग्री है कोई आपके पास? बीएएमएस जो हमारे पास है आपको बता रहे हैं। तो एक बीएएमएस एक्सरे मशीन चला सकते हैं अपने क्लिनिक पर? आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो डॉक्टर हैं, बीएएमएस कहाँ से किया आपने? बीएएमएस कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा, डेंगू बुखार चल रहा है इस समय वायरल, 63 लोगों की मौत हो गई, उसमें बच्चे बहुत, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह आप इलाज दे रहे हैं या कि कोई गड़बड़ी हो जाती है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये तो हमारी जानकारी में नहीं है, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया, कैसे क्या हुआ है, बच्चे कैसे एक्सपायर हुए, हमारी जानकारी में नहीं है, सुना है। तो आपके ट्रीटमेंट दे रहे हैं डेंगू? हमारे यहाँ वायरल का ट्रीटमेंट चल रहा है, वायरल के पेशेंट है। वायरल में क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? एंटीबायोटिक दे रहे हैं। बोतल चला रहे हैं, बोतल में क्या दे रहे हैं, ड्रिप में क्या दे रहे हैं? वही एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे रहे हैं। बुखार के लिए क्या दे रहे हैं? बुखार के लिए पैरासिटामोल दे रहे हैं। नहीं, ऐसा बच्चा है, बच्चे को क्या दे रहे हैं? बच्चा भी हमारे पास पेशेंट है ही नहीं। अभी एक इंजेक्शन लगा रहे थे वीडियो मेरे पास बच्चे की, बोतल वाले नहीं है ना मेरे पास, तो इंजेक्शन लगा, क्या दिक्कत थी उसको? मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राय रोड, मथुरा।